हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में जो अध्ययनांतर विद्यार्थी हैं उनको अपनी सिलेबस कैसे देखें इसके बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो आप यूजी या पीजी वाले हैं उनका सिलेबस आप दुर्ग यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, यह इससे आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर दुर्ग यूनिवर्सिटी करके सर्च कर लेनी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट वाला है, यहाँ पर हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों ये लोडिंग हो रहा है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर खुल चुका है दोस्तों। फिर नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर सिलेबस दिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिलेबस, इसको सिंपली क्लिक करिएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर यूजी एनुअल एग्ज़ाम सेमेस्टर एंड पीजी सेमेस्टर, यहाँ पर सभी का यहाँ पर सिलेबस दिखाया हुआ है, तो हम सिंपली यूजी का देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ तो सिंपली आपको नीचे आते जाना है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सिलेबस दिखा चुका है हेमचंद यादव विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर 22/7/2023 का यहाँ पर सिलेबस जारी हो चुका है, देख सकते हैं आपका सेक्शन और सेक्शन देख सकते हैं 2023-24 यह BA पार्ट वन का दोस्तों यहाँ पर सिलेबस जारी हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप पूरा UG वालों का यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर आ चुका है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही दोस्तों आप लोग PG वाले सिंपली सिलेबस पर आ करके सिंपली आप PG एनुअल पर या आप सेमेस्टर वाले हैं तो सेमेस्टर पर क्लिक करके अपना सिलेबस देख सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर एनुअल एग्ज़ाम वाले PG का, तो सिंपली आपको नीचे ही आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आज के डेट पर दोस्तों यह सिलेबस यहाँ पर जारी हो चुका है, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सेक्शन 2023-24 यहाँ पर सिलेबस आ चुका है, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर PG एनुअल MA संस्कृत का भी यहाँ पर जारी हो चुका है दोस्तों। ऐसी नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।